सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग भी पेटीएम अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो आप लोग कैसे पेटीएम अकाउंट किस तरीके से बना सकते हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो की स्टार्ट करेंगे। न्यू प्रोसेस के साथ, न्यू आप लोग अंदाज के साथ किस तरीके से पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाला हर नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बारे में आपको टाइप करेंगे पेटीएम। ठीक है, यहाँ पर टाइप करेंगे PAYTM, पेटीएम सर्च करेंगे। पेटीएम सर्च करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। हाँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, इजी तरीके से आप लोग इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा आप वेट करेंगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। आपका जो भी नंबर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा नंबर ये वाला सिलेक्ट किया मैंने। इसके बाद इस नंबर पे OTP आता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। OTP आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद फ्रेंड थोड़ा सा वेट करेंगे और आपके नंबर पर जो भी बैंक एक्टिवेट होती है वो आप लोगों को यहाँ पे ऐड करनी होगी। फिलहाल मेरे पे नहीं है, तो क्या करेंगे, आपको बैक करेंगे। आपको बैक करने के बाद यहाँ पे डोंट लेदर पे क्लिक करेंगे और बैक कर देंगे। ठीक है, बैक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके बाद अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स, आपके नंबर पे कोई भी बैंक एक्टिवेट नहीं है तो परेशान नहीं होना है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज मिलता है और यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री, इस पर ये क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है व्यू आल पे क्लिक करेंगे। व्यू आल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर आइएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, लिंक योर बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपके नंबर पे कोई बैंक लिंक नहीं है तो बैक करेंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड मेरे पे नहीं है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि एक्टिवेट अकाउंट। एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कोई भी बैंक को आपको ऐड करना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने अगर कोई बैंक ऐड लिंक नहीं किया तो कोई बात नहीं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक आप लोग एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक्टिवेट UPI अकाउंट पर क्लिक करेंगे और आप लोगों को क्या करेंगे, देखने मिलता है रीएक्टिवेट UPI अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद आपने नंबर पे कोई बैंक नहीं है तो ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे जो पेटीएम पेमेंट बैंक होती है, पेटीएम पेमेंट बैंक उसको ही ओपन कर लेना है। जैसा कि देख सकते हो, मैंने ओपन कर लिया, मेरी पेटीएम पेमेंट बैंक सक्सेसफुल हो जाती है। आप लोग इस तरीके से करिएगा, जैसा कि आप लोग देख पा, मेरी यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, इसके इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को कार्ड पिन चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से पिन चेंज कर सकते हो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, UPI पिन देख सकते हो, यहाँ से आप लोग चेंज करना चाह रहे हो चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे अपना पैसा भी आप लोग चेक कर सकते हो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, विदाउट ATM कार्ड के यहाँ पे चलेगा, आप लोग यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग किसी भी कार्ड किसी को भी ट्रांजेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेविंग अकाउंट होता है, इसके बाद आप लोग बड़े आसानी तरीके से आप लोग चला सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पे QR कोड आ जाता है, इसके जरिए आप लोग पैसे भेज सकते हो, कैसे जमा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखने को मिलता है मोबाइल रिचार्ज, इस पर क्लिक करेंगे। मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर आप लोग नंबर डालेंगे, जो भी नंबर होता है, सपोज मानो मेरा आप ये नंबर ही है, इस पर क्लिक रिचार्ज पर क्लिक करता हूँ। रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आपके जो बजट के हिसाब से जो भी रिचार्ज रखना चाह रहे हो यहाँ से आप लोग रख सकते हो। ठीक है, तो सपोज मुझे यहाँ पे पहले ले लेता हूँ 239 रुपये का। ठीक है, मैंने ले लिया, इसके बाद सेलेक्ट किया। इसके बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे अमाउंट आ जाते हैं, 14 दिन की वैलिडिटी रहती है, 1 GB डाटा पर डे का रहता है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी वो बैंक आ जाएगी, जैसे देख सकते हो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, जो भी बैंक होगी वो आ जाएगी। मेरी यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक है, वो मेरी यहाँ पे शो हो जाती है,
हाँ ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पे कर सकते हो। फिलहाल मुझे यहाँ पे रिचार्ज नहीं करना, तो मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग रिचार्ज कर सकते हो। अगर मोबाइल बिल रिचार्ज, आप लोग DTH का रिचार्ज, जो भी आए यहाँ से आप लोग इजी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप लोग कई सारे रिचार्ज के प्लान यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे DTH का रिचार्ज, बिजली बिल का रिचार्ज यहाँ पे कर सकते हो, बिल जमा कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है मोबाइल पोस्ट पेड का, यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, एजुकेशन फीस यहाँ से ही जमा कर सकते हो। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने बता दिया, आप लोग इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग उस तरीके से कर सकते हो। पहले आप लोगों को यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करिएगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इन दोनों में कोई भी करिए। ओपन करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको खुद सर्च करना है यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक। यहाँ पे सर्च करिए PAYT, पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पे आ जाएगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आपकी बैंक एक्टिवेट होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मेरी यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाती है, तो मेरे यहाँ पे शो हो जाती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से एक्टिवेट करेंगे। इसका विदाउट ATM कार्ड से ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे एड मनी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग अमाउंट डालना चाह रहे हो, जितना चाहो जितना यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वॉलेट मिलता है, देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको योर अकाउंट विद अनदर बैंक पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी आप लोग बैंक लगा सकते हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे ATM कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे देख सकते हो, अकाउंट नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विदाउट ATM कार्ड के यहाँ पे वर्क अच्छे से करता है। नीचे ATM कार्ड आपको देखने तभी भी मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है आप लोगों को किस तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, आप लोग मेरे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, व्यू कार्ड पे डिटेल पे आपको जो भी पासवर्ड होता है वो डालेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद आपकी पूरी की पूरी कार्ड की डिटेल यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि देख सकते हो, तो कार्ड नंबर, CVC नंबर, एक्सपायरी डेट। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड्स कई सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो आप लोग पहले प्लीज़ पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करेंगे। उस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपके कोई बैंक हो या ना हो, तभी भी आपका अच्छे से पेटीएम अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड बस यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।